कोटा के एनसीसी कैंडिडेट्स ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। एनसीसी कैंडिडेट्स की मांग है कि जिस प्रकार सेना में एनसीसी कैंडिडेट्स को वरीयता दी जाती है, लिखित परीक्षा में छूट दी जाती है, वैसे ही राजस्थान पुलिस में भी एनसीसी कैंडिडेट्स को वरीयता दी जानी चाहिए और उन्हें लिखित परीक्षा से छूट दी जाए। इस दौरान एनसीसी कैंडिडेट्स ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। न्यूजीलैंड डेस्क कोटा। आना होगा क्योंकि जो हम एनसीसी कैडेट हैं, हमें सी सर्टिफिकेट के बाद जो आर्मी में जो उसमें हमें परीक्षा माफ की जाती है, वैसे ही हमें राजस्थान पुलिस में भी कुछ आरक्षण दिया जाए, हमारी परीक्षा माफ की जाए या कुछ हमें बेनिफिट दिया जाए जिससे हम अपने देश की सेवा आगे कर सके। क्योंकि जो हम एनसीसी करते हैं उसमें हमारी 21 ईयर्स उसी टाइम हो जाती है, इसलिए हम बाद में आर्मी में ज्वाइन नहीं हो पाते। मेरा नाम है अंडर ऑफिसर ज्योति कुमारी। सर, जो राजस्थान में एनसीसी कैडेट्स हैं, इनकी ये मांग है कि जिस तरीके से हमको हम लोगों को आर्मी परीक्षा में सी सर्टिफिकेट करने के बाद पेपर माफ किया जाता है, लेकिन राजस्थान पुलिस में हमको इतनी वरीयता प्राप्त नहीं है, तो हमारे यही मांग है कि जिस प्रकार से आर्मी के ऑफिसर्स में भी पेपर नहीं होता है एनसीसी सर्टिफिकेट वालों का, तो राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल की जो परीक्षा होती है उसमें हमको वरीयता प्राप्त की जाए और हमारा जो एग्जाम है वो माफ़ करा जाए। यही मांग है हमारी। मेरा नाम सर अंडर ऑफिसर विनोद कुमार, चंद्रा बटालियन।